का धन्यवाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय परम आदरणीय दादा का आज 80वां साल पूरा होने जा रहा है, इस पर तहे दिल से बधाई देते हैं। और साथ साथ हमारे तमाम जलगांव वासी, जिस तरह से आप आए, यहाँ भीड़ लगाए, बाहर भी कई लोगों को भी खड़े देखा, स्क्रीन पर देखा, इससे आपने सिद्ध कर दिया है कि प्रेम जो होता है मराठियों का, उसे कोई सीमा नहीं बांध सकती। आपने एक बड़ा मैसेज दिया है हमारे जैसे बिहारी को बुलाकर कि जो कुछ लोग चंद बातों के लिए, चंद चीजों के लिए अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीति करते हैं और व्यक्ति को जाति से, धर्म से या राज्य के आधार पर बांटते हैं, वो गलत है। आम लोगों में, आम मराठियों में जो प्यार है उसका कोई जवाब नहीं। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप तमाम लोगों का, खासकर मीनाक्षी जी का, जो लगातार करीब साल भर पहले से मुझे बुला रही थी कि भाई आप कहीं कार्यक्रम मत बनाइएगा, कहीं जाइएगा नहीं, तो ये तारीख हमने इसीलिए खाली छोड़ रखा था। और बहुत बार जीवन में ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे कि एसडी सीट के बारे में सुना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना, तो बहुत बार हम लोग सुनते हैं पूरे देश में, दुनिया में, कि नाम बहुत बड़े, दर्शन छोटे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हो। लेकिन यहाँ आके एसटी सीट को देखकर, सुरेश दादा का प्रयास को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखकर, तमाम विद्यार्थियों के चेहरे पर एक उम्मीद को देखकर लगा कि सच में सोचा जितना था उससे बहुत बड़ा पाया आप लोगों को। और जितना बड़ा आप लोगों को पाया, उतना आपके तमाम लोगों के बसे दिल में उतनी बड़ी जगह देखकर मैं बहुत आभार महसूस कर रहा हूँ, बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ, बहुत आभारी हूँ आपका। अभी आपने सवाल पूछा कि विद्यार्थियों में क्या देखते हैं। विद्यार्थियों में हम लोग ये देखते हैं कि वो कितना पढ़ा हुआ है, कितना नॉलेज है, ये बहुत छोटी सी बात है। हम लोग देखते हैं कि वो विद्यार्थियों में, उस विद्यार्थी में जो हमारे पास आना चाह रहा है, कितना जुनूनी है, कितना उसमें कुछ करने के लिए ललक है, कितना वो परेशान है, कितना वो पूरी ताकत लगा के कुछ नई चीज खोजना चाहता है, कितने अपने प्रयासों से अपनी जो पड़ताड़ित जिंदगी है, कष्ट की जिंदगी है, उससे निकलना चाहता है, इसके लिए उसमें कितनी चमक है चेहरे पर, उसकी उत्सुकता कितनी है, वो अभी जो आपने सुना कि उसमें कितनी ताकत है कि कठिन परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बढ़ सकता है, पत्थर के सीना तोड़ सकता है और अपने आप को प्रूफ कर सकता है। तो उसमें जो उत्सुकता है, जो मेहनत करने की लालसा है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, साथ साथ नॉलेज का भी टेस्ट लेते हैं। और उसके बाद कोई जाति हमारे लिए मायने नहीं रखती है, कोई धर्म मायने नहीं रखता है, कोई राज्य मायने नहीं रखता है। मराठा का भी दो चार बच्चे हमारे पास अब तक आए, अब पढ़कर आईआईटी में पहुंचे, कहां बिहार, बेचारे हम लोगों के लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में टेस्ट ले सके, बच्चों को सेलेक्ट कर सके, पटना तक आ जाते पढ़ के, खबर सुन के, समझ के। तो यहाँ प्रतिभाएं बहुत है, तो उन प्रतिभाओं को जिनमें क्षमता है, जिनमें कुछ भी कर गुजरने की लालसा है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वैसे बच्चों को हम लोग रखते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर हमारे पूर्ववक्ता ने ऑफर दिया, हम चाहते हैं कि अगली बार जब सुपर 30 का टेस्ट हो तो एसडी सीट के बैनर के तले जलगांव में, यहां से भी बच्चे आए, पढ़े लिखे 30 के बजाय मुझे 40-50 बच्चे भी लेने हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश अपना है। इस भावना से जितना भी बन पड़ेगा मुझे बहुत खुशी होगी। और अभी लोगों ने ये उसको ऑफर दिया कि अगर आप लोग यहाँ कुछ अच्छा चलाना चाहते, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं,
महात्मा गांधी के आज आश्रम में जाने का यह मौका मिला, उनकी एक पंक्ति याद आई कि पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम आदमी के लिए कुछ प्रयास करें। तो जो भी व्यक्ति जलगांव का हो या कहीं का, खासकर अभी जलगांव की बात करते हैं, इस जलगांव के अंतिम लाइन में खड़े व्यक्तियों के शिक्षा की बात करेगा, उसका आनंद कुमार का निःशुल्क बिना किसी पैसे के सहयोग जीवन भर बना रहे। क्या बात है, बिल्कुल। अब क्या पूछूं, मेरे पास बच्चों ने पूछे इतने सवाल सारे हैं, वो जानना चाहते हैं आपसे कि इनको सिखाते समय सुपर 30 का आपका जो पूरा कोर्स है, तो उसमें कुछ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म रणनीतियां भी होंगी बच्चों को तैयार करने के लिए, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं ताकि यहाँ शिक्षकों को उसका फायदा हो। हम लोग कभी भी शॉर्ट टर्म पर तो जीवन में फोकस ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म पर फोकस करिएगा तो पानी के बुलबुले की तरह आपको सफलता मिलेगी, कुछ ही देर में वो बुलबुला फट जाएगा। इसलिए बच्चों को हमेशा ये ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं कि देखो तुमको लंबी दूरी तय करनी, तुमको IIT कर जाना, उसके बाद IAS बन जाना, IPS बन जाना, या विदेशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों पर अच्छे अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाना तुम्हारा मकसद नहीं। तुम्हारा मकसद है कि IIT करने के बाद, IAS बनने के बाद, IPS बनने के बाद समाज में कितनी तब्दीली ला सकते हो, इस पर तुम काम करो। एक व्यक्ति अगर तुम IPS बने हो, चंदन झा मेरा स्टूडेंट अभी बोकारो का सीनियर SP था, अभी कुछ देर पहले उसका तबादला हुआ। बसीस खंडन इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑफिसर है, बहुत जगह पर इन लोगों को पासपोर्ट अधिकारी और अलग अलग तरह का बड़ी जिम्मेवारियां मिलती है। इन तमाम बच्चों को, ऐसे से कई बच्चे हैं, हम एक दो का नाम लिया, उनको दिव्यांशु झा है, हमारा IAS ऑफिसर है झारखंड में, उन तमाम बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में सोचो। बच्चों में ये भावना डालते हैं कि समाज में क्या बदलाव आ रहा है, तुम कितनी सहायता कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हो, इस पर सोचो। आज क्या है कि कई लोग क्षणिक तौर पर किसी की सहायता कर देते हैं, मदद कर देते, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन हमारे सुरेश दादाजी का जो विजन है बड़ा अच्छा लगा, ये लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं अपने आप को, उनको मदद कर रहे हैं, तो समझिए कि आप उनके कई नस्लों को, कई पीढ़ियों को बना रहे हैं। तो ऐसी लॉन्ग टर्म की बातें हम बच्चों को सिखा, साथ साथ पढ़ाई में जहां तक बात है, हमारे शिक्षक गणों के लिए ये बात बोलना चाहेंगे, उनको सिखाते कि कोई भी विषय है उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कभी उसको रटिए मत, ऐसा नहीं कि रट लिया, 28, 38 को मल्टीप्लाई करना है तो 8 से कर दिया, फिर उसके बाद एक डिजिट बढ़ा के 2 से कर दिया, फिर सबको ऐड कर दिया, जब दूसरे डिजिट से कर रहे थे तो एक कॉलम आगे बढ़ गए, ऐसा तो हम लोग गुणा करना, मल्टीप्लाई करना बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा करने से क्यों मल्टीप्लाई हो जाता है। हम लोगों को 19 और 28 को जोड़ना है तो 9 और 8 को जोड़ते हैं, 7 लिखते, बाकी एक अगले लाइन में क्यों जोड़ते हैं, ये बच्चों को सिखाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ये बच्चों को सिखाते हैं। जब तक बच्चा किसी सब्जेक्ट की गहराई को नहीं समझेगा, जब तक वो विषय को पूरे दम आंख बंद कर ले सब दिखाई नहीं देगा, तब तक उसका मजा नहीं लूट पाएगा, उसका मजा नहीं ले पाएगा, और जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, बच्चा कोई क्रांतिकारी चीज नहीं निकाल पाएगा। इसलिए हम सभी पालकों से, सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को हाउ एंड व्हाई पढ़ने के लिए, बच्चे को गहराई तक जाने के लिए मोटिवेट करें। तुरंत छोटा मोटा कोई मार्क्स ले आता है क्लास में बहुत ज्यादा रट के, और आपका बच्चा नहीं ला पाता है, आपका बच्चा पीछे रहता है, तभी उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि दुनिया के किसी एक इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं कि आपके बच्चे के प्रतिभा की गवाही दे सके। ये आप अपने बच्चे में विश्वास रखिए, उन पर ट्रस्ट करिए कि नहीं, एक न एक दिन मेरा बच्चा अच्छा करेगा, और मेरा यकीन है कि अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, कभी भी आप निराश नहीं। मैं एक स्कूल में बहुत
इनिशियल फेज में बहुत ही मेहनत करता था और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट भी आता था, लेकिन जब हाई स्कूल में गया तो मुझे शौक चढ़ा कि मुझे साइंटिस्ट बन जाना है, मुझे वैज्ञानिक बन जाना है। तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, रेडियो बनाने का, कुछ वायरलेस बनाने का, कुछ कुछ प्रयोग करता था, और पढ़ाई के अभाव में, नॉलेज के अभाव में हमको लगता था कि ऐसे ही करते करते कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा। पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, आप लोग देखे भी है फिल्म में, वो बहुत मोटिवेट करते थे कि बेटा तुम बड़ा आदमी बनो, तुम अच्छा करो, तुम अच्छा करो। पढ़ाई में थोड़ा मैं ढीला हो गया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं था कि क्लास में फर्स्ट आ रहा हूं, तो धीरे धीरे कुछ डिक्रीज किया मेरा जो परफॉर्मेंस था। फिर भी पिताजी कभी निराश नहीं हुए, मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। उस परिस्थिति में भी पिताजी सिर्फ यही कहते थे, नहीं बेटा मुझ पर तुम चिंता ना करो, और तुम पर मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा करोगे। और ये फिल्म में नहीं दिखाया गया क्योंकि जब विकास पहल हमारे फिल्म डायरेक्टर थे ऋतिक जी, सबसे बात चल रही थी कि दृश्य के बारे में बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं फिल्म में ये दिखाएंगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी और ऐसा नहीं दिखा सकते। लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको कि दृश्य हमने सजेस्ट किया था अपने पूरे कहानी में हर माता पिता के लिए। आजकल ज्यादा जरूरत है बच्चों से कि माता पिता समझे अपने कर्तव्य को। तो पिताजी हमारे क्या करते थे कि गरीब थे हम लोग, तो क्या करते थे कि भाई दो कप चाय बनाते थे सबसे पहले सुबह सुबह घर को उठ के, दो कप। उस समय न ट्रे था हमारे घर में न प्याली थी, बस ऐसी पकड़ के हमारे कमरे में आते थे, ऐसे करके खोलते थे दरवाजा और वहां पर चाय रख देते थे टेबल पर, और हम मुझे उठाते थे, उठ बेटा उठ, हम उठते थे। जैसे ही उठते थे तो हम प्रणाम करना चाहते थे पिताजी, उससे पहले वो मेरा पैर छू के प्रणाम कर देते थे। मैं एकदम शर्मा जाता था, कह रहे क्या कर रहे पिताजी, क्या मजाक कर रहे हैं। पिताजी बोलते थे कि नहीं बेटा मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ कि एक न एक दिन तुम समाज में बहुत अच्छा काम करोगे, लोग तुमको प्रणाम करेंगे। शायद हम न रहे, तो इतने विश्वास के साथ, इतने ट्रस्ट यकीन के साथ, फेथ के साथ वो बातें करते थे कि कभी मुझे जीवन में नहीं लगा कि पिताजी को धोखा देना चाहिए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि राह से भटकना चाहिए। तो ये हम तमाम शिक्षकों को और माता पिता को ये सलाह देंगे कि बच्चों पर पूरा विश्वास करें उनको, और नाटक के लिए विश्वास करना एक अलग बात है, दिल से विश्वास करें और अपना 100% दें। देखिए एक नए दिन आपका शिष्य या आपका बेटा बेटी जो भी होंगे वो लोग इतिहास जरूर लिखेंगे।